चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलें। जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत कुछ इंटरनेट से हमने सीखा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आजकल जो इंटरनेट के बिना ज़िंदगी जो है अधूरी है, इसके फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। जो जवानी के अंदर लोग हैं, अकेले रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो अपने माता पिता से अलग सोते हैं, उनके पास मोबाइल होता है, तो वो जब अकेले होते हैं तो वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए इसके ऊपर जो अश्लील वीडियोस वो देखना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको हस्त मैथुन की जो लत है वो लग जाती है। जवानी के अंदर, नदानी के अंदर या बचपने के अंदर उनको पता नहीं होता कि उनके शरीर का जो मेन धातु है, जो बेशकीमती हमारी कह लो कि सबसे लास्ट जो चीज़ है ज़िंदगी की, वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर होता है। बहुत सारे लोग इसका जो दुरुपयोग करते रहते हैं, जब वो इसका प्रयोग करते हैं तो हस्त मैथुन की जो लत है उससे क्या होता है कि वो लगातार उसको हस्त मैथुन करते रहते हैं, जिससे कारण उनका जो वीर्य है वो पतला हो जाता है और दिमाग के अंदर वात दोष जो बिगड़ जाता है, जिसके अंदर उनको दिमाग के अंदर वो ही सारा दिन जो वीडियोस या रात को देखते हैं तो उसका जो एपिसोड है वो चलता रहता है, जिसके कारण उनको सपन दोष, नाइट फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वीर्य ज़्यादा पतला होने के साथ जब वो यूरिन पेशाब करते हैं तो उनके साथ भी उसके जो वीर्य के पतलेपन या वीर्य जो है बाथरूम के साथ आना शुरू हो जाता है, जिसको हम दांत बोलते हैं, दांत पड़नी शुरू हो जाती है, या फिर वीर्य ज़्यादा और बन नहीं पाता जितना वो वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। इन सभी बीमारियों के लिए आज हम एक नुस्खा लेके आए हैं, जिनसे उनका जितना भी वो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई हो सकेगी। इसके अंदर हमने 2 से 3 चीज़ें ली हैं। ऐसा ही एक नुस्खा मैंने पहले भी डाला था, ये यूनानी मेडिसिन है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बाज़ार जाएं और बनी बनाई लेके आएं। जो पहले मैंने नुस्खा डाला था उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था, काफ़ी फीडबैक उसकी मिली मेरे को, तभी मैंने ये अगला जो नुस्खा है वो डालने जा रहा हूँ। तो कृपया आपसे भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं, जो मेरे पहले से जुड़ चुके हैं, वो उस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और अपने जितने भी सोर्स हैं आपके पास, आपके सोशल मीडिया के, उसके ऊपर इसको वायरल भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन हमने लिया है पूरा नुस्खा, ये है। सबसे पहले आपको लेना है माजून अर्ध खुरमा, हमदर्द कंपनी का आता है ये। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, 52 रुपीज़ है, मतलब आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका है लबूब कबीर, हमदर्द कंपनी का ये लेना है आपको। ये 125 ग्राम की पैकिंग है और ये आपको कम से कम 250 रुपये का मिलेगा मार्केट से, ठीक है, ये दोनों। तीसरा लेना है आपको माजून साल्ब, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, तो ये आप जब लेंगे तो उसके आप स्टडी कर लेना। तो इसकी जो मार्केट रेट है इसका है 155, यानी कि 150 रुपये के लगभग आपको ये मिलेगा। और जो लास्ट में हमारा है यह है कुर्स जरियान, ये नुशमा की है, ये 100 रुपये की 100 टैबलेट होती है, कि आपको 1 रुपये की 1 टैबलेट मिलेगी। ये देखिए 100 रुपये इसका MRP है, तो आपको हो सकता है कोई आपका चाहने वाला हो तो लेस भी मिल जाए आपको, तो वैसे ये मार्केट में 100 रुपये की मिलती है। तो लेना कैसे है इसको, आपको आधा चम्मच इसका, कम से कम 6 से 7 ग्राम, आधा चम्मच इसका, इसको क्या करना है कि 1 कप दूध ले लेना आपको, दूध के अंदर इन दोनों का आधा आधा चम्मच लेके अच्छी तरह से घोल देना है। घोलने के बाद ये खाने से 1 घंटा पहले लेना आपको ये दोनों को,
खाने से 1 घंटा पहले ये दोनों लेनी है दूध के अंदर मिक्स करके। खाने के 1 घंटे बाद आपको ये लेना है माजून सालब, ये खाने के बाद लेना है, ये भी 1 घंटा बाद, ये भी 1 घंटा पहले। और इसी दूध के साथ आपको ये लेनी है 2 गोली कुर्स जरियान, 2 गोली इस दूध के साथ लेनी है सुबह और शाम खाने से पहले। ये केला खाने के बाद आएगा, ये तीनों खाने से पहले आएंगे। इसको कम से कम आप 30 से 40 दिन इस्तेमाल करें। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे सीमन पतला हो गया है, या फिर आपका सीमन नया बन नहीं रहा, या आपकी ढीलापन आ गया है लिंग के अंदर, सभी के ऊपर इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसको आप मार्केट के अंदर लेने जाएंगे तो आसानी से मिलने वाली ये चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरा, ये इसका कोई नुकसान नहीं है, ये यूनानी नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है, एक बार इसको आजमा कर ज़रूर देखें। तो जो लोग वैसे भी इसको खाना चाहें, इसका कोई नुकसान नहीं है। कई बार व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज आते हैं कि भाई हम लोग खा सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई भी खा सकता है, किसी भी एज में खा सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप रेगुलर खा सकते हैं, 1-2 महीने खा सकते हैं। तो इसको ले करके यूज़ करके ज़रूर खाएं, इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।